धनतेरस पर ही भारतीय जनता पार्टी की दिवाली हो गई। दरअसल जोबट और पृथ्वीपुर के विधानसभा उपचुनाव में जहां भाजपा ने बाजी मार ली, वहीं खंडवा के लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया, लेकिन रगाव भाजपा के हाथ से फिसल गया। यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की और भाजपा की सीट को छीन लिया। रगाव विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर मिली जीत से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जीत का ऐलान होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और दो दिन पहले ही दीपावली जैसा जश्न मना लिया। वहीं रेगांव विधानसभा उपचुनाव में जीत से कांग्रेस भी उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीन ली है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस नेताओं को जोबट, पृथ्वीपुर और खंडवा की हार ज्यादा नहीं खली, लेकिन रेगांव सीट पर मिली हार भाजपा के लिए मंथन करने का विषय है। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। धनतेरस पर ही भारतीय जनता पार्टी की दिवाली हो गई। दरअसल जोबट और पृथ्वीपुर के विधानसभा उपचुनाव में जहां भाजपा ने बाजी मार ली, वहीं खंडवा के लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया, लेकिन रगाव भाजपा के हाथ से फिसल गया। यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की और भाजपा की सीट को छीन लिया। रगाव विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर मिली जीत से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जीत का ऐलान होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और दो दिन पहले ही दीपावली जैसा जश्न मना लिया। वहीं रेगांव विधानसभा उपचुनाव में जीत से कांग्रेस भी उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीन ली है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस नेताओं को जोबट, पृथ्वीपुर और खंडवा की हार ज्यादा नहीं खली, लेकिन रेगांव सीट पर मिली हार भाजपा के लिए मंथन करने का विषय है। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। धनतेरस पर ही भारतीय जनता पार्टी की दिवाली हो गई। दरअसल जोबट और पृथ्वीपुर के विधानसभा उपचुनाव में जहां भाजपा ने बाजी मार ली, वहीं खंडवा के लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया, लेकिन रगाव भाजपा के हाथ से फिसल गया। यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की और भाजपा की सीट को छीन लिया। रगाव विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर मिली जीत से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जीत का ऐलान होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और दो दिन पहले ही दीपावली जैसा जश्न मना लिया। वहीं रगाव विधानसभा उपचुनाव में जीत से कांग्रेस भी उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीन ली है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस नेताओं को जोबट, पृथ्वीपुर और खंडवा की हार ज्यादा नहीं खली, लेकिन रेगांव सीट पर मिली हार भाजपा के लिए मंथन करने का विषय है। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।